नाइन मार्क का क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली हमने सीखा हुआ है कि नाइन मार्क का कोई क्वेश्चन नहीं होता। ये असल में ना उन्होंने पार्ट्स जोड़े हुए हैं, दो दो पार्ट्स हैं, एक चार मार्क का और एक पांच मार्क का पार्ट है, ये उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। जस्ट गिव इट अ ट्राई, डोंट डू, कैन यू गाइस फिगर आउट व्हाट टू डू? जो फिगर आउट कर ले उसे वो अपना प्लान मेरे साथ डिस्कस कर ले, नथिंग एल्स। जी, anyone who has figured it out, क्योंकि तुम में से कुछ लोगों ने कर लिया होगा फिगर आउट, मुझे बताओ फिगर आउट करके कि क्या करना है यहाँ पे आप लोगों ने। सर बहुत ज्यादा है ऑप्शंस। ठीक है, अच्छा देखो पहली बेसिक बात तो ये भी रिजॉल्व कर सकते हैं, पीछे म्यू आर भी लिख सकते हैं। अच्छा हाँ देखो, एक एक करके चीजें करते जाते हैं। एक सेकंड मुझे तुम्हारे दोनों इसको ठीक करने दो। ओके सो लेट्स जस्ट क्रॉप दिस, एक मिनट देना जरूरी है, crop this to the diagram only. Let me just take up the diagram, increase its size so that we can work with it. Okay, diagram हम अपनी बनाएंगे हमेशा, सही है? तो diagram के ऊपर सबसे पहली बात तो ये कि ये आपके पास सबसे पहले तो weight mark होगा, ठीक है, वो कर दिया आपने, ये हो गया 16, ठीक है। अब हम बनाओगे अपने weight के components, छोटे छोटे 90 डिग्री टू द ग्राउंड एंड पैरेलल टू द ग्राउंड, और उसमें कोई टेंशन नहीं होती, वो नीचे भी चले जाए जमीन से, वो हमने तो बस अंदाजे से बना रहे होने होते हैं। अच्छा ये एंगल 25 था, तो ये भी 25 होगा, दिस विल बी 25 cos 6 cos 25 सॉरी 6 cos 25 6 sin 25 इज गोइंग दिस वे। एरो के बगैर फोर्स मत लिखना कोई, मिस्टर S1 M1 क्यों कहते रहते हैं आज, वहां पे भी इसका एक काम है, एक पूरा बड़ा चैप्टर है, वो उसी से चलता है। अच्छा ये तो आर हो गया, ऑलराइट यहां तक बातें हमें समझ आ गईं, ये कुछ बताया हुआ है। ओके गिवन दैट पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, अच्छा ओके find the set of possible values of P. अच्छा before we discuss this, ठीक है, हमने एक दो बातें पहले डिस्कस करनी है, और मैंने वही आज का ना हमारा आउटकम वो है। अच्छा पहली बात तो सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज क्या होती है, सेट ऑफ वैल्यूज किसको बोलते हैं, ऑब्जर्वेटिव होना इंपॉर्टेंट चीज है, इनइक्वालिटी। अच्छा अभी हमने तो इनइक्वालिटी को पढ़ी ही नहीं, तो देखते हैं आज हम इनइक्वालिटी ही पढ़ने लगे हैं। ऑलराइट तो इनइक्वालिटी को कहते हैं, अब लेट्स सी इनइक्वालिटी कहां से आएगी वो बाद में देखते हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद हमने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताया हुआ है, ओके किसी को फ्रिक्शन की डायरेक्शन पता है, फ्रिक्शन की डायरेक्शन कितने को लगाएंगे? नहीं पी की वाली नहीं पता, पी की वैल्यू नहीं पता, पी कुड बी लाइक यू नो more heavier than 6, P could be like bigger than 6 sin 25, तो body ऊपर को जाएगी, ठीक है, और P अगर छोटा हुआ 6 sin 25 से तो body नीचे को जाएगी। Alright, अब ये set of values का क्या मजाक है वो समझते हैं। Alright, अच्छा हम एक कुछ inequalities study करते हैं, बड़ी common sense है लेकिन वो उनको स्टडी फिर भी करना पड़ता। फ्रिक्शन से रिलेटेड ना कुछ इनइक्वालिटीज है, दो चीजों की बेटे इनइक्वालिटीज हैं जो हमने यहां आज करनी है। एक तो हमने रेस्ट की इनइक्वालिटीज याद करनी है, और दूसरी हमने मोशन की इनइक्वालिटी याद करनी है। ओके बेटी, बॉडी तब तक रेस्ट पे होती है जब तक टोटल फोर्सेस ट्राइंग टू मूव द ऑब्जेक्ट
move the object in the desired direction are less than or equal to total forces. अभी कॉमन सेंस है, इधर वर्ड से सुन, टोटल फोर्सेस ट्राइंग टू स्टॉप द ऑब्जेक्ट इन द डिजायर्ड डायरेक्शन, स्टॉप द ऑब्जेक्ट फ्रॉम मूविंग in that direction. For example, let's just simply copy this, make this smaller, copy and first paste. Okay, and inequality ka sign would change. ठीक है, ऑल राइट, पेन नहीं तो हम ये दो इनइक्वालिटीज याद करते हैं, फिर इनके हम सेंस देखते हैं और फिर हम इनको अप्लाई करके देखते हैं. ठीक है, ऑल राइट. बॉडी रेस्ट पे रहती है तब तक जब तक आपकी जो फोर्सेस है ना, जो उसको मूव करना चाह रही है बॉडी को. लेट्स थिंक अबाउट दिस इन a very simple example. Okay, let's suppose there is a box, but yahan mein maximum friction thi, yahan pe aage ko force laga rahe the aap p, theek hai. Acha, aur aapki na jo maximum friction of the floor hai na, that is 10 newtons. Acha, to agar main p ki value 8 rakhunga to will the object move? No, it will stay at rest. Theek hai, अगर मैं p की वैल्यू 9 रखूंगा तो भी इट विल स्टे एट रेस्ट. 9.9 के ऊपर क्या होगा, तब भी ये रेस्ट पे रहेगा, क्योंकि आपकी जो पुलिंग फोर्स है, आपकी जो मूविंग फोर्स है, वो आपकी स्टॉपिंग फोर्स से छोटी है. अच्छा, अगर मैं p की वैल्यू 10 कर दूं तो क्या होगा, अगर मैं p की वैल्यू 10 कर दूं, विल द ऑब्जेक्ट मूव? अबाउट टू मूव होगा लेकिन मूविंग, हाँ लेकिन मूव नहीं करेगा. बिल्कुल आप सही कह रहे हो, अबाउट टू मूव होगा लेकिन मूव नहीं करेगा. So total forces trying to move the object in that desired direction, वो जब तक less than हो या equal to भी हो जाए, ठीक है, stopping forces के, तो body move नहीं कर सकती. Body सिर्फ तब move कर सकती है जब आप 10 से जरा सी भी ऊपर force लगाओगे. ठीक है, तो motion तब create होगा जब आपकी total forces trying to move the object in the desired direction जो है वो ग्रेटर हो जाएंगी स्टॉपिंग वाली फोर्सेस से. ठीक है, अच्छा, और इन इनइक्वालिटीज में, इन इनइक्वालिटी एट दिस पॉइंट, क्योंकि हम अबाउट टू मूव वाले पॉइंट में होते हैं, सो फॉर दीज इक्वेशंस we take maximum friction into account. क्योंकि हम एक्सट्रीम डिसीजन ले रहे होते हैं ना कि भाई मैक्सिमम फ्रिक्शन भी लग रही हो तो ये कब तक रुका रहे. ठीक है, फर्स्टली इट वॉज रॉन्ग टू से कॉल देम इक्वेशंस, दीज वर इनइक्वालिटीज. अच्छा, फॉर दीज इनइक्वालिटीज वी टेक मैक्सिमम फ्रिक्शन. जी, मैक्सिमम फ्रिक्शन किसको कहते हो? मैक्सिमम फ्रिक्शन का क्या फॉर्मूला होता है? एफ इज इक्वल्स टू म्यू आर.
ठीक है, तो आप हम कोशिश करते हैं कि हम fs equals to mu r के साथ देखें ताकि मैक्सिमम फाइनल इनइक्वालिटी जो होती है, इनइक्वालिटी ने बेसिकली सारी रेंज ऑफ वैल्यूज देनी होती है, तो वो मैक्सिमम फ्रिक्शन के हिसाब से देती है कि भाई कब तक, मतलब फॉर एग्जांपल अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में, लास्ट वाला जो अभी मैंने बात डिस्कस कर रहा था जिसमें पी इधर को फोर्स लग रही थी और मैक्सिमम फ्रिक्शन गिवन थी वाज 10 जी, तो अब इसकी रेस्ट की इनइक्वालिटी क्या लिखोगे आप, इसकी टोटल पुलिंग फोर्सेस कौन सी हैं, टोटल मूविंग फोर्सेस, जो फोर्सेस को मूव करवाना चाह रही है वो फोर्स पी है, पी जब तक लेस देन या इक्वल टू 10 रहेगी, ठीक है 10 क्या है मैक्सिमम फ्रिक्शन थी, ठीक है, तो हमें पता चल गया कि स्टॉपिंग फोर्सेस क्या क्या होती है, स्टॉपिंग फोर्सेस या तो ये होती है कि पीछे को कोई असल में फोर्स लग रही होती, या फिर स्टॉपिंग फोर्स वैसे नेचर में, और स्टॉपिंग फोर्स क्या है वो फ्रिक्शन है, तो वो कितनी हद तक रोक सकती है, वो मैक्सिमम फ्रिक्शन की हद तक ही रोक सकती है, उसके बाद तो नहीं रोक सकती। अच्छा अब मूव करने की, तो P should be greater than 10, जैसे ही P 10 से बड़ा होगा, अब ये देखो यहां तक तो हमारी कॉमन सेंस भी सपोर्ट करती है इस बात को, ठीक है कि जैसे ही P जो है बेटे वो 10 से बड़ा होगा, ठीक है, तो वो क्या करना शुरू हो जाएगी, बॉडी मूव करना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अच्छा लेट्स सी, let's go back to our question and now talk about it. चलिए जरा अब एक दफा इस क्वेश्चन की लाइन दोबारा पढ़नी है आप लोग, एक दफा इस क्वेश्चन की लाइन दोबारा पढ़नी है आराम से, and something will make sense to you. अच्छा, given that the particle is in equilibrium, ठीक है, अच्छा नाउ वी नो कि दे आर गोइंग टू बिकम बी टू सिनेरियोस ओवर हियर, ठीक है, ओके लेट्स सी, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि पीने किधर को जाना है, राइट, तो अब हम दो सिनेरियोस क्रिएट करेंगे, ओ ये क्या हो रहा है, एक सेकंड एक मिनट देना प्लीज, मेरी नहीं डायग्राम सारी खराब हो गई, ओके ओके एंड लेट्स मूव दिस, ओके अच्छा जी, अब हमारे पास दो डायग्राम्स आ रही हैं, दो डायग्राम्स क्यों आ रही हैं देखते हैं, सो फर्स्टली इफ द ऑब्जेक्ट इज सपोज टू गो अपवर्ड्स, पहला केस क्या है, तो फर्स्ट केस में हम सोचेंगे कि पी इज बिगर देन सिक्स साइन 25 and object would move, agar move kiya to up the plane, up the plane matlab is direction, acha to ab kya hoga, analysis kya hoga, analysis ye hoga ki ab friction kidhar ko lag rahi hogi, friction kidhar ko lagegi, friction piche ko lagegi, इधर को पीछे को फ्रिक्शन लगेगी, कितनी म्यू आर, अच्छा अब मुझे बताओ कि व्हाट आर द फोर्सेस ट्राइंग टू मूव द ऑब्जेक्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन, पी, ठीक है, पी पी इज ट्राइंग टू मूव द ऑब्जेक्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन, अच्छा मूविंग फोर्सेस, अच्छा मैं इसको अब जरा आसान कर लेता होता हूँ, मूविंग फोर्सेस शुड बी लेस देन और इक्वल टू स्टॉपिंग फोर्सेस फॉर रेस्ट, ठीक है,
अच्छा व्हाट आर द मूविंग फोर्सेस, मूविंग फोर्सेस आर पी, शुड बी लेस देन और इक्वल टू जी. स्टॉपिंग फोर्सेस कौन कौन है? म्यू आर और प्लस 6 sin 25. बिल्कुल ठीक है, सही बोल रहे हैं आप लोग. अच्छा अब आर कैसे निकालोगे? आर तो ऑपिस इक्वल टू डाउन से निकलता है, तो यहाँ स्टॉप करते हैं, ऑपिस इक्वल टू डाउन लगाते हैं ताकि आर निकाल लें. अप है जी आर और डाउन के आपके पास 6 cos 25. ये हमने जरा एक सेकंड के लिए ब्रेक लिया था यहाँ पे, ये हमने अपना आर फाइंड करना था. आर है जी 6 cos 25. सो पी इज लेस देन इक्वल टू म्यू, पता था हमें कोफिशिएंट था 0.36 इंटू आर इज 6 cos 25 प्लस 6 sin 25. तो ये मुझे इनइक्वालिटी की वैल्यू लिखवाना. पी इज लेस देन इक्वल टू व्हाट नंबर? 4.49. ओ ये मैंने क्या किया, सो 4.49. एक इनइक्वालिटी तो ये आ गई कि सिर्फ पी ऊपर को पुलिंग फोर्स था और ये ऑब्जेक्ट ऊपर को जाना था, तो हम अगर सोचें कि इसको ऊपर को पुल किया जा रहा है, सो व्हाट इफ पी स्मॉलर, पी इज स्मॉलर एंड द ऑब्जेक्ट वुड मूव डाउन, अगर कुछ इफ इट मूव्स अच्छा अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सी फोर्सेस मूव करवाना चाह रहे हैं? ठीक है, तो अब हम फिर से कहेंगे हाँ इनइक्वालिटी वही है, मूविंग फोर्सेस शुड बी लेस देन इक्वल टू स्टॉपिंग फोर्सेस. ठीक है ओके, अब पहली बात तो फ्रिक्शन मार्क करें. अच्छा अब सी इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है कि इनइक्वालिटी उल्टी हो जाएगी, ऐसे नहीं है. अब म्यू आर की डायरेक्शन असल में बदल जाती है जब आप नीचे को मूव करना चाहते की कोशिश करते हो, तो म्यू आर इधर आ जाता है. ठीक है अच्छा, और हमारे पास तो म्यू आर की डायरेक्शन, क्योंकि हम मूव किधर को करने लगे, इधर को जी. अब देख के बताएं कि अब आपको मूव कौन करवाना चाह रहे हैं, नीचे की तरफ को कौन मूव करवाना चाह रहा है आपको? दैट इज ओनली 6 sin 25. आपको नीचे जाने से रोक कौन कौन रहा है? एक तो आपको म्यू आर रोक रहा है और आपको पी रोक रहा है. नाउ 6 sin 25 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 cos 25. आर निकल रहा है देख रहे हैं हम, प्लस पी. अब जरा पी की इनइक्वालिटी लिखना, पी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू उधर वाले नंबर जरा माइनस कर, सॉरी 0.58 ना, तो यहाँ पे P should be greater than equal to 0.58. अब आप notice कर रहे हो कि P दो values के बीच में trapped है. हमने पहले कहा कि P कहाँ पे होना चाहिए, हमने कहा P 0.58 से बड़ा होना चाहिए और 4.49 से छोटा होना चाहिए, तो body कहाँ पे रहेगी? ये है final inequality उसकी rest. Is that clear? अब ये idea थोड़ा सा dodgy है, ठीक है? And definitely you have seen nothing like this in physics, ठीक है? लेकिन इनको बोलते हैं ये rest की और motion की inequalities होती हैं. इसमें आपने क्या करना होता है? इसमें आपने देखना होता है कि अगर body move की तो किधर को move करेगी? जिधर को भी वो body move करेगी, उसकी direction में आपकी moving forces होती हैं. उसके against जो कुछ भी लग रहा होता है वो stopping forces होती हैं. और इनइक्वालिटीज तो सिंपल है, याद रखनी आपकी मूविंग फोर्सेस जब तक स्टॉपिंग फोर्सेस से छोटी या इक्वल होंगी तो बॉडी मूव नहीं करेगी, और अगर वो बड़ी हो जाएंगी तो वो मूव क्या करेगी. इज दिस क्लियर यहां तक? कुछ पूछना है तो पूछ लो प्लीज. अच्छा अब आपको समझ आएगी अपनी डायग्राम बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कोई बच्चा यही काम डायग्राम के ऊपर कर रहा होता है ओरिजिनल डायग्राम पे, तो उसको तो समझ ही नहीं आनी चाहिए यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि फोर्सेस की डायरेक्शन चेंज हो जानी होती है. उस गरीब का म्यू आर नीचे ही लगा रहने का,
ठीक है, उसको नहीं पता चलना था। और ये देखो अब 9 marks justified है, अब समझ आ रहे हैं 9 marks किस तरह से हैं, वो दो अलग वर्किंग्स हैं, आधी आधी यूं समझ लो, 4-4 mark की दो वर्किंग्स हैं और 1 mark आखिरी आंसर का, तो इस तरह दो क्वेश्चन जोड़े हुए उन्होंने। अच्छा जी बेटे, अब ये वाला जरा क्वेश्चन पढ़े प्लीज, ये जो आज हमने सीखा है ना ये यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, और M1 की अच्छी बात ये जो सीख लो ना वो वैसे ही अप्लाई होता रहता है, सेम क्वेश्चन आते रहते हैं। A block of mass 2 kg is at rest, so you would want to apply weight niche ko 20 newton. Mr. M1 khada kado utni der. Kuch na bhi samajh aa rahi ho question mein, basic kaam to pure kado na. Yahan pe R aa jayega. Theek hai. Aur so this is going to become नहीं पता हमें म्यू है वो तो फोर्स ऑफ 12 न्यूटन इज दिस एक्टिंग विद दिस इज दिस 10 अल्फा इज 3/4 ओके लेट्स हैंडल दैट ओके वी लर्न हाउ टू हैंडल दैट Hello, make it a rectangle triangle plane. Really bad, yeah. Okay. So this is alpha. 10 is 3 over 4. So, my Pythagoras, the tc side, but this is 5. And if you want sine theta at any stage, I would say sine theta would be, sine alpha would be 3/5. And cos alpha would be 4/5. All right. Pehla part padte hain. When, aur aap dekhna kitne free ke marks hain agar aapko na sahi idea aata ho. All right. When the applied force acts downwards, the block remains at rest. G. Figure 1 mein rest hai. Theek hai? Show that this is this. Aapne components break karne, to figure 1 mein kya hai rest hai. G. Rest ki inequality bolna kya hai? Rest ki inequality kya hai? So, pehle part mein, hum kahenge rest ke liye, the moving forces should be less than or equal to the stopping forces. जी मूव किधर को करना है, राइट को धक्का लगा रहे हो तो राइट को मूव करना है, तो इस बॉक्स को मूव को, अब मुझे बताओ पहली बात तो ये कि फ्रिक्शन किधर को लगेगी, फ्रिक्शन किधर को लग रही होगी, राइट को या लेफ्ट को? लेफ्ट को, ठीक है ना, यहाँ को इधर को फ्रिक्शन लग रही है, और फ्रिक्शन कितनी लेनी है इस केस में, म्यू आर लेनी है, हमने कहा इन इनइक्वालिटीज के केस में, क्योंकि हम एक्सट्रीम केस कंसिडर कर रहे होते हैं। अच्छा लेफ्ट को लग रही है म्यू आर, जी अब इसको मूव कौन कर रहा है, राइट को कौन मूव कर रहा है, इसको मूव कौन करने की कोशिश कर रहा है, 12 cos alpha, और इसको रोकने की कोशिश कौन कर रहा है, म्यू आर, तो दैट्स जस्ट सिंपली राइट दैट, इसको मूव करने की कोशिश कर रहा है 12 cos alpha, इसको स्टॉप करने की कोशिश कर रहा है म्यू आर। आर कैसे निकालोगे, आर कैसे निकलता है, आर का यूनिवर्सल रूट है, आर नहीं चेंज होता कभी भी, आर कैसे निकलता है, अप इज इक्वल्स टू, अप इज इक्वल्स टू डाउन, तो 20 लिख लूं, R की वैल्यू 20 आ जाएगी, कैन वी से R 20? नहीं, क्योंकि डाउन में दो फोर्सेस है, सो अप में R है और डाउन में 12 साइन अल्फा प्लस 20, सो R के लिए लगाएंगे अप इज इक्वल्स टू डाउन, अप में R है और डाउन में 20 प्लस 12 कॉस अल्फा, so 20 plus 12 into cos alpha banana hai kitna tha 4/5, can you guys please tell me ye wali fraction kitni hai, r ki value batana, calculator value bata do please jaldi se, sir 148/5, thank you, acha
तो अब आपका हो गया 12 × 4/5 इज लेस देन और इक्वल टू म्यू इनटू 148 होगा सर. 12 साइन आपका नहीं है. I am sorry, I must have mistaken them. जी आप सही कह रहे हैं. 12 sin alpha, तो this is 3/5. I'm sorry, this is all wrong. So is this? यहाँ पे 3 है. मुझे अब बताना corrected amount बताना. 136/5. So यहाँ पे 136 है क्या? So अब हम ये वाला 5 काट देते हैं. And 48 is less than or equal to 136 mu. And mu is greater than or equal to 48 over 136. Simplify कर लो तो mu की value क्या आ जाती है? Is greater than or equal to कितना आना था? 46 over 17. जी, is this idea clear to you guys? एक दफा आराम से देखने में एक पेज पे कर रहा हूँ ताकि आप लोग zoom करके खुद देख सको जो भी चीज देखने वाली है. फोर्सेस वगैरह और 5 मार्क्स समझ आ रहे हैं कैसे मिल रहे हैं आपको? आपको फोर्सेस का ब्रेकडाउन मिल रहा है, आपको आर निकालने के मार्क्स मिल रहे हैं ऑपोजिट इक्वल्स टू डाउन से, ठीक है, और फिर आपके इनइक्वालिटी के मार्क्स, ठीक है. तो मूविंग फोर्सेस शुड बी लेस देन और इक्वल टू स्टॉपिंग फोर्सेस फॉर रेस्ट. अच्छा सेकंड पार्ट पढ़ती हूँ यहीं से, इधर से ही जरा जूम करके सेकंड पार्ट पढ़ लूँ. When the force applied acts in the figure 2, the block slides along the floor. इसका क्या मतलब है? अब body क्या करने लगी है? Move करने लगी है? अच्छा, so body is going to move. तो सबसे पहले तो I would want to see what is going to happen with my forces. So this is 12 cos alpha. 12 sin alpha. अच्छा मेरी बात सुनिए, मुझे जल्दी से सोच के बताएं क्या r सेम रहेगा या नहीं? जल्दी से सोच के बताएं r सेम रहेगा कि नहीं? नहीं. क्यों? इस पर 12 sin alpha ऊपर की तरफ एक्ट कर. बिल्कुल, आपने आज के बाद याद रखना है कि कभी भी आप नई डायग्राम बना रहे हैं ना जिसमें आपने फोर्सेस दोबारा लगाएंगे, ठीक है, उनमें r चेंज हो जाता है कई दफा. r क्यों चेंज हो जाता है? क्योंकि r डिपेंड कर रहा होता है फोर्सेस की डायरेक्शन पे और हम अक्सर नई डायग्राम इसलिए बना रहे होते हैं क्योंकि कोई किसी फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो गई होती है, ठीक है. तो ये नीचे लग रहा था 20 न्यूटन और अच्छा म्यू आर किधर को लगेगा बाय द वे? अगर ये इधर मूव होना शुरू हो गया है तो व्हेन द बॉडी इज मूविंग तो म्यू आर तो किधर को लग रहा होता है? पीछे की तरफ, ठीक है. तो पहली बात तो आपका आर चेंज हो गया है. अच्छा म्यू सेम होगा कि नहीं मुझे ये बताओ, म्यू सेम होगा या नहीं? म्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. जी एनीवन सोच के बताओ म्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. अच्छा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बारे में मैंने एक लाइन बोली थी आप लोगों को, मैंने कहा था इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द सरफेस. तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तब तक चेंज नहीं होता जब तक सरफेस ना चेंज हो नीचे वाली. तो क्योंकि क्वेश्चन ने नहीं बताया कि उन्होंने सरफेस चेंज किया तो वो गोइंग टू अज्यूम के सेम जगह है तो आपका म्यू चेंज नहीं हो सकता, ठीक है. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सिर्फ तब चेंज होता है अगर आप सरफेस बदल दें, ठीक है. ओके सेकंड पार्ट देखते हैं. सेकंड पार्ट में बॉडी मूव कर देगी. सो मूव, जी मूव की इनइक्वालिटी क्या होती है? मूविंग फोर्सेस आर ग्रेटर देन स्टॉपिंग फोर्सेस. जी बेटी जरा देख के बताइएगा मूविंग फोर्सेस कौन कौन है यहाँ पे? 12 cos alpha is moving force और stopping force कौन है? म्यू आर. वही वाली बात है इस दफा भी. So 12 cos alpha is greater than म्यू आर. लेकिन हम अभी कह के आए कि हमें भाई पता है r चेंज हुआ है. चलो r निकालते हैं फिर. आप इस इक्वल्स टू डाउन लगा देते हैं. अपवर्ड क्या लग रहा है? आर भी लग रहा है और 12 साइन अल्फा भी ऊपर को लग रहा था, डाउन में 20 लग रहा है. ये देख लो ऊपर चल के देखिए. अब मैं देखो बेटे आर भी लग रहा है और 12 साइन अल्फा भी अब ऊपर को लग रहा है, नीचे आर लग रहा है, नीचे 20 लग रहा है. सो आर प्लस, मुझे जल्दी से कैलकुलेशन करवा दो, 3/5 इज इक्वल टू 20.
आर इज इक्वल टू, मुझे बताना 64/5. 64/5, ओके फाइन, एंड लेट्स टेक दैट वैल्यू देयर ऑन टू द अदर साइड एंड विल बी गुड. जी 12 इनटू कॉस था 4/5 इज ग्रेटर देन म्यू, नहीं पता हमें जी 64/5. तो दिस 5 गो अवे, 48 इज लेस देन 64 म्यू, म्यू विल बी इक्वल टू इक्वल टू नहीं लेस देन 48/64. जी मुझे बताना क्या आ रहा है, म्यू इज लेस देन 3/4. यही हमने शो करवाना था शायद, नहीं फाइनल अंदर इनइक्वालिटी था तो हमारी दूसरी इनइक्वालिटी आ गई म्यू की. तो आज हमने जो काम किया वो था इनइक्वालिटीज के साथ कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है या मूव कर रही है तो उसकी इनइक्वालिटीज क्या होती है.